हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीजी चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं बारी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला है अभी बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संबंध में अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, वीडियो को पूरा शेयर करते रहें। और दोस्तों, आज से आपको SPG चैनल पर 10वीं और 12वीं परीक्षा संबंधी हर एक अपडेट आपको मिला करेगी। तो 10वीं 12वीं परीक्षा से अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपको SPG चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या न्यूज़ निकल कर आई है। हमारी जो परीक्षाएं होने वाली थी अप्रैल में, हमारी जो परीक्षाएं होने वाली थी, अब उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास 12th क्लास की जो परीक्षाएँ होने वाली थी, उन परीक्षाओं जो परीक्षाएँ 30 अप्रैल से 1 मई से स्टार्ट होने वाली थी, अब उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से जो परीक्षाएँ थी, अब उनको कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, कोरोना वायरस की वजह से जो परिस्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए मंडल की जो दिनांक 30 अप्रैल एवं 1 मई 2021 से जो प्रारंभ होने वाली जो परीक्षाएँ, अब उनको 1 माह के लिए स्थगित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब तक स्थगित कर दिया गया है, 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जो हमारी 30 अप्रैल में परीक्षाएँ होने वाली थी, अब हमारी जो परीक्षाएँ कब आयोजित कराई जाएंगी, अब वो हमारी परीक्षाएँ आयोजित कराई जाएंगी जून 2021 में। यहाँ पर टाइम भी बता दिया गया है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ कर दी जाएंगी। हमारी परीक्षाएँ कब स्टार्ट होंगी, अब जून के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ कर दी जाएंगी। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, अब जून से पहले हमारी कोई भी परीक्षाएँ नहीं होने वाली हैं और अंतिम सप्ताह तक सभी परीक्षाएँ करा ली जाएंगी और जुलाई में हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट कब आ जाएगा दोस्तों, जुलाई में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना है, जिससे क्या है, उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। तो हमारी एक बार और मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जो 30 अप्रैल से एवं 1 मई से जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी, उन परीक्षाओं को 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब हमारी परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी, अब हमारी परीक्षा आयोजित की जाएंगी जून 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जून 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएंगी और अंतिम सप्ताह तक ये चलने वाली है, यानी कि लास्ट जून तक, हमारी 30 जून तक हमारी सभी परीक्षाएँ सम्पन्न करा ली जाएंगी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।